इंडिया में ऐसे कई सारे एक्ट्रेस हैं जिन्होंने फिल्मी डायरेक्टर को किया है शादी। और आज मैं साउथ और बॉलीवुड का ऐसे 30 एक्ट्रेस डायरेक्टर हस्बैंड वाइफ जोड़ी के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों कौन कौन से कपल है इस लिस्ट पर जानने के लिए शुरू से तक ये वीडियो जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 1 कमल हसन और साथ में सारिका। जहाँ पर कॉलीवुड में राज करने वाले एक नाम है कमल हसन और इसे मेगास्टार ने वर्सेटाइल एक्टर के साथ ही साथ है एक डायरेक्टर और उन्होंने 2004 में एक्ट्रेस सारिका से किया है शादी। और बता दोस्तों जहाँ पर सारिका ने हिंदी और मराठी फिल्मों पर काम कर चुके हैं। नंबर 2 सोनाली बेंद्रे और साथ में गोल्डी बेल। बस इतना सा ख्वाब है का डायरेक्टर गोल्डी ने बॉलीवुड का एक्ट्रेस सोनाली से किया है शादी। और बता दोस्तों जहाँ पर दोनों ने पहले अंगारे फिल्म का सेट पर मिला था। नंबर 3 नयनतारा और विघ्नेश शिवान। जहाँ पर साउथ का लेडी सुपरस्टार है नयनतारा और नयनतारा ने 2015 में शादी किया है डायरेक्टर विघ्नेश से। और बता दोस्तों जहाँ पर विघ्नेश ने कॉलेज का डायरेक्टर है और जिन्होंने पावा कधाई गल जैसे फिल्म में डायरेक्ट कर चुके हैं। नंबर 4 रामेश पी और किरण जुनेजा। और जहाँ पर शोले जैसे लेजेंडरी फिल्म देने वाले डायरेक्टर है रामेश पी और इसी पद्मश्री अवार्ड विनर डायरेक्टर ने 2017 में शादी किया किरण से और जहाँ पर किरण ने हिंदी फिल्मों पर काम करती है। नंबर 5 अमला पाल और डायरेक्टर एल विजय। और कॉलीवुड का किरदम डायरेक्टर है एल विजय। एल विजय ने 2014 में एक्ट्रेस अमला पाल से किया है शादी। पर बता दोस्तों जहाँ पर दोनों का शादी उतना लॉन्ग टाइम नहीं रहा और सिर्फ 4 साल के बाद ही 2017 में दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया। नंबर 6 यामी गौतम और डायरेक्टर आदित्य धर। हाँ दोस्तों जहाँ पर बॉलीवुड का काफी यंग टैलेंटेड डायरेक्टर है आदित्य धर और उन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फिल्म में डायरेक्ट कर चुके हैं। और रिसेंटली 2021 में आदित्य ने किया है यामी गौतम से शादी। जहाँ पर यामी ने साउथ के अलावा भी बॉलीवुड पर भी एक वेल नोन एक्ट्रेस है और इसे फेयर एंड लवली गर्ल यामी डायरेक्टर आदित्य दोनों ने रिसेंटली किया है काफी इंटीमेट वेडिंग सेरेमनी। नंबर 7 सुहासिनी और डायरेक्टर मणिरत्नम। जहाँ पर कॉलीवुड का काफी टैलेंटेड 6 टाइम्स नेशनल फिल्म अवार्ड विनर डायरेक्टर रहा मणिरत्नम जिन्होंने रोजा बॉम्बे और गीतांजलि जैसे मास्टरपीस फिल्में दे चुके हैं। और डायरेक्टर मणिरत्नम ने 1988 में एक्ट्रेस सुहासिनी से किया है शादी और जहाँ पर सुहासिनी ने तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ फिल्मों पर काम कर चुके हैं। नंबर 8 डायरेक्टर मोहित सूरी और उदिता गोस्वामी। जहाँ पर आशिकी 2 लव आजकल का डायरेक्टर है मोहित सूरी और उन्होंने 2013 में एक्ट्रेस उदिता से किया है शादी और उदिता ने इमरान हाशमी के अपोजिट में जहर जैसी फिल्मों पर नजर आई है। नंबर 9 डायरेक्टर उपेंद्रा और प्रियंका। और ओम जैसे इंडस्ट्री हिट फिल्में देने वाले डायरेक्टर रियलिस्ट उपेंद्रा ने 2003 में प्रियंका उपेंद्रा से किया है शादी। और बताया दोस्तों प्रियंका ने एक बंगाली एक्ट्रेस है और दोनों के बीच में 2003 में यह शादी हुआ। नंबर 10 विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर। जहाँ पर सिद्धार्थ ने बॉलीवुड का काफी वेल नोन प्रोड्यूसर है और 2012 में बॉलीवुड का एक्ट्रेस विद्या से किया है शादी और विद्या ने द डार्टी पिक्चर और कहानी जैसे सक्सेसफुल फिल्में दे चुकी है। नंबर 11 रामिया कृष्णन और कृष्णा वंशी। जहाँ पर रामिया यानी कि बाहुबली का वो शिवागामी देवी जिन्होंने 260 से ज्यादा फिल्मों पर काम कर चुके हैं और इसी रम्या कृष्णा ने 2003 में डायरेक्टर कृष्णा से किया है शादी। नंबर 12 अनुराग कश्यप और साथ में कल्कि कोचलिन। गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसे फिल्में देने वाले डायरेक्टर है अनुराग और अनुराग ने 2011 में एक्ट्रेस कल्कि से किया है शादी। और बता दोस्तों सिर्फ 4 साल की मैरिज लाइफ के बाद दोनों के बीच में 2015 में डिवोर्स हो गया। नंबर 13 सोनिया अग्रवाल और डायरेक्टर सिलवाड़ा गवन। जहाँ पर कॉलीवुड का पुधु पिट्टई जैसे मास्टरपीस फिल्में देने वाले डायरेक्टर है सिलवाड़ा गवन और उन्होंने 2006 में एक्ट्रेस सोनिया अग्रवाल से किया है शादी। पर दुख की बात यह है कि सिर्फ 4 साल के बाद ही दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया। नंबर 14 आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी। और DDLG जैसे फिल्में देने वाले डायरेक्टर है आदित्य चोपड़ा और उन्होंने 2014 में एक्ट्रेस रानी से किया है शादी और दोनों का शादी काफी प्राइवेट सेरेमनी से इटाली में की गई है। नंबर 15 लीसी और प्रिया दर्शन। हेरा फेरी जैसे मास्टरपीस फिल्में देने वाले डायरेक्टर प्रिया दर्शन ने 1990 में इंडियन एक्ट्रेस लीसी से शादी किया
पर दुख की बात यह है, लगभग 24 साल के मैरिज लाइफ के बाद दोनों के बीच में 2016 में डिवोर्स हो गया। नंबर 16, श्रीदेवी और बनी कपूर। जहाँ पर बॉलीवुड का काफी वेल नोन प्रोड्यूसर है बनी कपूर, और उन्होंने 1996 बॉलीवुड का लेजेंडरी एक्ट्रेस श्रीदेवी से किया है शादी। नंबर 17, मनोज बेधा और साथ में शालिनी वादनिकत्ती। जहाँ पर वनजागर उलागम जैसे फिल्में देने वाले तमिल डायरेक्टर है मनोज, और उन्हें 2020 में शादी किया है शालिनी से, और शालिनी ने कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों पर काम करती है। नंबर 18, शेफाली शाह और विपुल शाह। जहाँ पर शेफाली ने बॉलीवुड पर एक्ट्रेस और उन्होंने शादी किया है एक्शन रिप्ले का डायरेक्टर विपुल शाह से। नंबर 19, हैरी और प्रीथा। कॉलिट का वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड डायरेक्टर है हैरी, और जिन्होंने सिंगम जैसे फिल्म में दे चुके हैं, और उन्होंने प्रीथा से किया है शादी, जहाँ पर प्रीथा ने 1988 से 2002 तक वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेस थी। नंबर 20, महेश भट्ट और सोनी रजदान। जहाँ पर सादक, मर्डर और वो लम है, इन सब फिल्म में देने वाले डायरेक्टर है महेश, और उन्होंने 1986 में एक्ट्रेस सोनी रजदान से शादी किया। नंबर 21, खुशबू और सुंदर सिंह। जहाँ पर आरन माने जैसे फिल्मों का डायरेक्टर है सुंदर सिंह, और उन्होंने 2000 में खुशबू से शादी किया, और खुशबू ने 200 से ज्यादा फिल्मों पर काम कर चुके हैं। नंबर 22, सुधीर मिश्रा और साथ में सुष्मिता मुखर्जी। चामेली जैसे फिल्म देने वाले डायरेक्टर है सुधीर, और उन्होंने 1978 एक्ट्रेस सुष्मिता से किया है शादी, पर बता दोस्तों बाद में 2000 में दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया। नंबर 23, राखी और गुलजार। और रुदली एक्ट्रेस थी राखी, जिन्होंने 1973 में मौसम का डायरेक्टर गुलजार से किया है शादी। नंबर 24, शेखर कपूर और सुचित्रा। मिस्टर इंडिया जैसी फिल्म में देने वाले डायरेक्टर है शेखर कपूर, और उन्होंने एक्ट्रेस सुचित्रा से किया है शादी, और बता दोस्तों जब 2007 में इन दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया। नंबर 25, साधना और साथ में नायर। साधना ने बॉलीवुड का 1960 से 1981 तक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस थी, और जहाँ पर उनको द मिस्ट्री गर्ल से पहचान जाती है, और उन्होंने 1966 में लव इन सिमला डायरेक्टर आर के नायर से शादी की थी। नंबर 26, प्रकाश झा और दीप्ति नावल। राजनीति जैसे फिल्म में देने वाले डायरेक्टर है प्रकाश, और उन्होंने 1985 में एक्ट्रेस दीप्ति से शादी किया, और बता दोस्तों बाद में दोनों के बीच में 2002 में हो गया डिवोर्स। नंबर 27, बिंदिया गोस्वामी और साथ में जे पी दत्त। जानी दुश्मन के एक्ट्रेस से बिंदिया, और 1985 पल्टन डायरेक्टर जे पी दत्त से किया है शादी। नंबर 29, मीना कुमारी और कमल अमरोही। और जहाँ पर द ट्रेजेडी क्वीन माना जाता है मीना कुमारी को, और 1952 में क्रिएटर कमल अमरोही से शादी किए। दोस्तों ये रहा कुछ एक्ट्रेस डायरेक्टर हस्बैंड वाइफ जोड़ी के बारे में, तो इन सभी कपल से आपका फेवरेट कौन सा है कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और सके बॉलीवुड साथी न्यूज़ अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।